यंग टीम इंडिया ने 2-1 से जीती साल की पहली सीरीज, श्रीलंका को तीसरे वनडे में 91 रनों से धोया। वीडियो की क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में 91 रनों से करारी शिकस्त दी है। इस जीत के साथ भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली, और सीरीज का पहला मैच भारत ने 2 रन से जीता था, जबकि दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने दमदार वापसी करते हुए भारत को 16 रन से शिकस्त दी थी। भारत ने राजकोट में खेले गए तीसरे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 228 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 16.4 ओवर में 137 रन ही बना पाई। इससे पहले भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने सर्वाधिक 112 रन बनाए। ईशान किशन पहले ही ओवर में पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर उतरे राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी ने ताबड़तोड़ 35 रन बनाए, जिसकी बदौलत भारत पावर प्ले में ही 2 विकेट खोने के बावजूद 53 रन बनाने में कामयाब रहा। त्रिपाठी 35 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सुमन गिल और सूर्य कुमार यादव के बीच तीसरे विकेट के लिए 53 गेंदों में 111 रन की साझेदारी हुई। सूर्य कुमार के दमदार शतक की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 228 रन का महान लक्ष्य दिया। अक्षर पटेल ने 9 गेंद में ताबड़तोड़